पूरी बारिश हो रखी है जबरदस्त, लेकिन यहाँ पे बारिश दिख नहीं रही है, हल्की हल्की बूंदे दिख रही है क्योंकि पेड़ है ऊपर, बारिश रोक लेता है। बूंदे बन रही हैं, बुलबुले निकल रहे हैं उसमें से, बबल्स, इसका मतलब बारिश नहीं रुकेगी अभी जल्दी। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई आज बारिश हो रही है, बाहर जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है आज। कल रात से बारिश हो रही है, मतलब दो दिन से लगातार बारिश ही हो रही है। और मैंने एक पेन ड्राइव ऑर्डर किया है, लेकिन उसमें इशू आ रहा है। मोस्टली काफी लोगों को इशू आता होगा, अगर कोई नई पेन ड्राइव ऑर्डर करते हो तो आप उसमें इशू आता होगा, तो वो इशू मैं दिखाता हूँ क्या और कैसे रिजोल्व करते हैं। तो ये रही अपनी पेन ड्राइव। तो डिलीवरी बॉय ने पहले ही बोल दिया था कि भैया इसे खोल के देख लो, फोटोज वगैरह ले ली थी उसने, तो उसने पहले अनबॉक्सिंग करवा ली है। पेन ड्राइव निकालता हूँ मैं ज़रा अब इसमें से। सो ये अपनी पेन ड्राइव 128 GB है ये एसर की। तो ठीक है, इसका प्राइस है 2000 रुपए का प्राइस है इसका। अच्छा, डील वाले ग्रुप से मंगाई है मैंने, तो उसमें डील में सस्ती मिल गई है मेरे को। ठीक है, जितने की आपको 32 GB की पड़ती है उस रेट में मिल गई है ये। अभी खोला जाए इसे, इसकी पैकिंग से निकाला जाए इसे। सो कुछ मिला नहीं यार, ये कटर मिला है, इसे काट के देखता हूँ जरा मैं। चलो अब निकालते हैं पेन ड्राइव। तो फर्स्ट मुझे लगा था जो उसका टेक्सचर रबड़ वाला होगा, लेकिन ये प्लास्टिक का पूरा। तो ये पूरा प्लास्टिक है। अब इसे लगाते हैं अपने सिस्टम में। सिस्टम मैंने बहुत दिनों बाद ऑन किया अपना। ये रहा जी अपना सिस्टम। अब बताता हूँ गाइस प्रॉब्लम क्या आती है जब ऐसी आप पेन ड्राइव से लगा लेते हो, मार्केट से लेते हो, ऑनलाइन लेते हो, तो क्या इशू आता है इसे। पहले से लगाते हैं अपने सिस्टम में, शो करेंगे अभी थोड़ी देर में। दिस पीसी ये आ गई है, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है हमारी एसर वाली, और उसमें कुछ डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा डाटा चाहिए कुछ ऑलमोस्ट लाइक। पहले मैं स्मॉल डाटा ट्रांसफ़र करके देखता हूँ आपको। तो ये 215 MB की फाइल है, ठीक है। अब इसे ज़रा मैं सेंड करता हूँ, अब इसे सेंड किया जाए एसर में। जा रही है, कोई इशू नहीं है, आराम से शेयर हो जाएगी उसमें। अब यहाँ पे जाके खोल के देख लेते हैं न्यू विंडो में। तो ये हमारी पेन ड्राइव है, इसके अंदर हम डाटा भेजा है, ये शेयर हो गया, आ गया। अब सपोज़ कोई बड़ी फाइल भेजते हैं हम, तो ये बड़ी फाइल है, 7 GB की फाइल है ये। अब इसे सेंड करते हैं, देखो फाइल टू लार्ज आ गया इसके अंदर, ठीक है, एरर आ रहा है इसमें। मतलब अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। पेन ड्राइव पे जाओगे, पेन ड्राइव पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, फिर इसमें ऑप्शन आएगी फॉर्मेट की, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आएगा आपको EX फैट डिफॉल्ट, तो इसे हटा देना है। यहाँ पे कर देना आपने NTFS, NTFS करके इसे स्टार्ट कर देना है, और कुछ चेंज नहीं करना कहीं पर भी, स्टार्ट कर देना है। वार्निंग दिखाएगी, इसे ओके कर देना, आपकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब फॉर्मेट कम्प्लीट, ओके कर दो इसे और इसे क्लोज कर दो, ठीक है। दोबारा उस फाइल पर जाते हैं, ये रही फाइल 7 GB। अब इसे सेंड करेंगे, देखना अब इसे सेंड करते हैं, अब आपके पेन ड्राइव में ही सेंड होने लग जाएगी। अभी इसे कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि अभी हमने शेयर नहीं करनी है। सो मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी नई पेन ड्राइव परचेज करते हैं, चाहे मार्केट से लो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करो। तो मैंने सोल्यूशन बता दिया, बहुत ईजी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर देना कि वो अच्छी नहीं लगी, और डिसलाइक कर देना। वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर किसी ने पेन ड्राइव ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, चेक कर लेना, डील आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।